यो व्हाट्स अप एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं मिस्टर रिएक्शंस। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जितने भी स्पाइडरमैन फैंस हैं, खासकर हमारे इंडियन स्पाइडरमैन फैंस, तो उनसे मेरा एक सवाल है कि हम स्पाइडरमैन के बारे में तो जानते ही हैं, जैसे कि उसका नाम पीटर पार्कर है ना, वो न्यूयॉर्क सिटी में रहता है, अंकल बैन, आंट मे वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन क्या आप इंडियन स्पाइडरमैन के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं ना, मैं भी नहीं जानता। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हमारे इंडियन स्पाइडरमैन के बारे में कुछ बातें। तो चलिए बवाल को स्टार्ट करते हैं। ग्वेन, मैं तुम्हारे साथ हूं। ओ, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। ये भाई कौन है? ये भाई कौन है? अरे, ये नया लड़का कौन है? हे पाप, तुम कौन? चलो, तुमने पूछा तो सही। नए लड़के, मैं नया लड़का नहीं हूँ। मेरा नाम है पवित्र प्रभाकर। मैं रहता हूँ पवित्र प्रभाकर यहाँ ट्रैफिक है, यहाँ ट्रैफिक है, पापा है। स्पाइडरमैन होने के अलग ही मजे हैं। देर से उठना, एक्सरसाइज ना करना, मैं पहले से इतना तगड़ा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है। सही बात है। और माय आंटी के साथ कटिंग चाय की चुस्की लेना। चाय की मुझे भी पसंद। क्या बोला तुमने? चाय टी। चाय का मतलब चाय टी होता है ब्रो। तुम ब्रो क्या चाय चाय? अगर मैं कॉफी कॉफी या क्रीम क्रीम कहूँ तो अच्छा लगेगा? नहीं। वो चैप्टर्स जो हर स्पाइडर की कहानी का हिस्सा होते ही हैं। वो नहीं, फैसला तुम्हारा है। एक इंसान को बचाना चाहोगे या पूरी दुनिया को? हर दुनिया को। स्पाइडरमैन तो हर दुनिया को बचाना चाहेगा। अगर वो एक इंसान भी बच सके तो वो उसे भी बचाना चाहेगा। वो, वो, ये क्या देख रहा हूँ मैं? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं स्पाइडरमैन हूँ। माइल्स, कम ऑन। लगता है इनके बीच कुछ चल रहा है। यार, तुम लोग फोकस कैसे करते हो? कुछ चल रहा है। यो, तो दोस्तों, अभी हमने देखा स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का हिंदी ट्रेलर। और इस ट्रेलर को देखने के बाद यहाँ हमें ये तो पता चल गया कि यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत सारे स्पाइडरमैन हैं, और वो भी अलग अलग दुनिया से। तो दोस्तों, इस ट्रेलर को देखने के बाद तो मैं डेफिनेटली इस मूवी को देखने वाला हूँ। देन मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दूंगा कि ये मूवी कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, है ना। हालांकि स्पाइडरमैन के कोई सी भी मूवीज अभी तक बेकार तो नहीं है, ठीक है, और ये भी नहीं होगी, इतना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के मजेदार वीडियोस के साथ एंड रिएक्शंस के साथ। देखते रहिए मिस्टर रिएक्शंस, और इसी तरह हरियाली बनाए रखें अपने आसपास हमारी तरह। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।